वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको माइक्रम के कॉर्ड से नैपकिन होल्डर कैसे बनाना है, कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो कलर का माइक्रम का कॉर्ड लिया है, स्काई ब्लू और रेड कलर का। अब कोई भी कलर यहाँ पे आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हैं। लाइटर लिया है, छोटे बिट्स लिया है ग्रीन कलर का, देखिए इस तरह के मैंने एक रिंग लिया है जिसमें हम चाबी वगैरह फंसाते हैं। और देखिए मैंने एक इस तरह का कड़ा लिया है लगाने के लिए, अगर हमारे पास रिंग ना हो तो हम इस तरह के कड़े यूज कर सकते हैं। और 7 इंच की मैंने एक राउंड रिंग ली है और सीजर लिया है। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर का कॉर्ड लिया है, ये हमारा 2.5 मीटर का कॉर्ड है। मैंने रेड कलर का टोटल मैंने 4 कॉर्ड कट किया है 2.5 मीटर का, और जो हमारा स्काई ब्लू है वो मैंने पूरे 8 कॉर्ड कट किए है 2.5 मीटर के। ये देखिए इस तरह से हमें कॉर्ड को इसमें लगा कर लेना है। रेड हमारा 4 कॉर्ड कट किया है 2.5 मीटर का, और जो हमारा स्काई ब्लू है वो मैंने 8 कॉर्ड कट किए है 2.5 मीटर के। देखिए इसी तरह से हम कॉर्ड को लगाना है। इसी तरह से हम जितने भी हमने कॉर्ड कट किया है सभी को हम इसमें इस रिंग में अटैच करके ले लेंगे इसी तरह। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कॉर्ड लगाया है। मैंने स्काई ब्लू यहाँ पे 4 कॉर्ड लगाया, फिर रेड 4 कॉर्ड लगाया, फिर से स्काई ब्लू का 4 कॉर्ड लगाया। हम स्टार्ट कर लेंगे। कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ये बढ़ते से घटते क्रम में चला जाता है, यानी अब हमारा अंदर अंदर के कॉर्ड को लेके हमें नॉट लगाना है। और यहाँ के देखिए इस तरह से ये दो दो ऐसे कॉर्ड छूटते चले जाएंगे इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से बनके रेडी है। उसके बाद अब यहाँ से देखिए ये जो लास्ट के कॉर्ड है दोनों साइड के, अब इनमें हमें सभी कॉर्ड को 2-2 टाइम करके लगाना है। अब इनमें हमें सभी कॉर्ड को 2-2 टाइम लगा के ले लेना है इस तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के जो कॉर्ड थे सभी को मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे फोर कॉर्ड बच गए, तो बीच के हम कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ पे हम बीट्स लगाएंगे। और इसे हम यहाँ पे एक नॉट लगा के पैक करेंगे। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कॉर्ड हमारे है इसमें हमें सभी को कॉर्ड को लगाना है। देखिए इस तरह से टू टाइम हम इसे लगाएंगे। देखिए यहाँ से एक कॉर्ड में हमने सभी यहाँ के कॉर्ड को लगा लिए। फिर से एक कॉर्ड ले लेंगे हम यहाँ से और सेम इसी तरह से सभी कॉर्ड को हम टू टू टाइम इसमें भी लगा लेंगे। इसके साथ हमें इस तरह से चिपका कर ही लगाना है, तो हमारा यहाँ पे डिजाइन में गैप आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के कॉर्ड को मैंने टू टू टाइम लगा के ले लिया है। उसके बाद अब हमें फिर से इस तरह का यहाँ पे डिजाइन तैयार करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से पहले फोर कॉर्ड ले लेंगे सेंटर से और इसमें हम नॉट लगाएंगे। आगे के दो कॉर्ड लेंगे और इसमें भी हम नॉट लगा लेंगे। फिर से दो नॉट दो कॉर्ड लेके नॉट लगाएंगे। फिर से हमें अब इस साइड सेम इसी तरह से नॉट तैयार करना है। यहाँ से कॉर्ड ले लेंगे। और फिर से हमें यहाँ के बीच के कॉर्ड लेके सेंटर के और फिर से हमें यहाँ पे नॉट लगा लेना है। इसी तरह से हम नॉट को लगाएंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्ड जो है छूटता जाएगा। कि फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने नॉट लगाया और अब यहाँ पे भी देखिए घटते घटते हमारा ये नॉट इस तरह से तीन नॉट यहाँ पे तैयार हुआ है। फिर से हमें यहाँ नॉट लगा के लेना है।
लास्ट में देखिए इस तरह से फोर कॉर्ड बज जाते हैं, और यहाँ फिर हमें नॉट पर लगा लेना है इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, अब सेम ये जो हमारा यहाँ पे ये कॉर्ड है इसमें हमने सभी कॉर्ड को लगाया है, अब इसमें सेम इसी तरह से सभी कॉर्ड को हमें टू टाइम लगाना है। तो सबसे पहले ये डिजाइन तैयार होने के बाद अब मैं यहाँ से जो हमारा ये वाला कॉर्ड था जिसमें हमने सभी कॉर्ड को लगाया है, इसमें से देखिए ये वाला दूसरा जो कॉर्ड है फर्स्ट वाले को मैं छोड़ दूंगी, दूसरे कॉर्ड को लेके और इसमें सभी कॉर्ड को पहले मैं लगाऊंगी टू टाइम। जो हमारा कॉर्ड है अब इनमें भी हम सभी कॉर्ड को लगा लेंगे, और सेम यहाँ पे भी इसी तरह से हमें कॉर्ड को लगा के तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी कॉर्ड को यहाँ पे इस कॉर्ड में लगाने के बाद अब हमें इसी तरह का ये जो हमने यहाँ पे नॉट लगाया है सेम इसी तरह का हमें हाफ डिजाइन यहाँ पे तैयार करना है। मैंने नॉट सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक बीट्स लगा लिया है, देखिए सेंटर के दो फोर कॉर्ड ले लिया। इस तरह से फिर से हम इसमें से दो कॉर्ड ले लेंगे और साइड से दो कॉर्ड लेके फिर से नॉट लगाएंगे। देखिए फिर से ये दो कॉर्ड छोड़ देंगे, इस दो कॉर्ड को ले लेंगे और यहाँ से दो कॉर्ड ले लेंगे, तो फिर अब इसमें नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से नॉट लगाया, उसके बाद फिर से हम देखिए फिर से कॉर्ड लेके और सेम हमें नॉट लगानी है इस तरह से हम जो डिजाइन यहाँ पे तैयार होगा। जो हमारा कॉर्ड है जिसमें हमने सभी कॉर्ड को टू टाइम लगाया है, अब इसमें भी हमें नॉट तैयार करना है। तो ये देखिए कॉर्ड को यहाँ पे जो बचे कॉर्ड है ले लेंगे और यहाँ पे एक नॉट तैयार कर लेंगे इस तरह से, जिससे हमारी ये जो जगह है वो पैक हो जाएगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये हाफ डिजाइन कम्प्लीट हुआ है। अब ये हमारा जो 7 इंच का रिंग है अब इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम ये कॉर्ड ले लेंगे और इसे इस तरह से हम
डबल करके हमें लगाना है यहाँ पे। ऐसे हम पूरे कॉर्ड को इस रिंग में अटैच करके ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉर्ड को मैंने रिंग में अटैच कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ का जो ये कॉर्ड है हमने यहाँ पे रिंग में लगाया है। अब इसे हम इस तरह से देखिए इस तरह से रिंग पे रख लेंगे और इसी कॉर्ड को हम यहाँ से नीचे से इस तरह से ले लेंगे और हम इसी तरह से हमें ये पूरे रिंग को कॉर्ड से कवर करके लेना है। अगर हमारा ये कॉर्ड कम पड़ जाए तो हमें लाइटर से इसमें स्टिक करके और लगा लेंगे कॉर्ड को। देखिए सभी को पूरे रिंग को मैंने कॉर्ड लगा के इस तरह से कवर कर लिया है और यहाँ के जो कॉर्ड थे उसे मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए लाइटर से हमें हल्का सा मेल्ट करके इसे चिपका लेंगे। तरह को से हम सभी को चिपकाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नैपकिन होल्डर बनके रेडी है इस तरह से। और यहाँ पे जो जो खाली जगह थे सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे भी कॉर्ड लगा के इसे रैप कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी ये रिंग है इसे हम यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से खोल दिया है और देखिए हल्का सा ओके, फिर हम इसे यहाँ पे इस तरह से फंसा देंगे, दबा देंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नैपकिन होल्डर बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे वीडियो के नीचे के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आगे के जो भी वीडियोस मैं डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।